नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ kingcraft.com में। और आज मैं बात करूँगा फेसबुक पे। तो फेसबुक ने क्या किया है, अपना एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जो कि वीटा वर्जन है, अभी सभी लोगों को धीमे धीमे दिया जाएगा। तो मुझे मिल गया है उसका जो नया फीचर है। फीचर्स क्या है कि आपका पूरा का पूरा लुक, जो फेसबुक का लुक है वो चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जैसे ट्विटर ने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया था, तो सेम फेसबुक भी पूरा लुक चेंज कर दिया। तो वो मैं फेसबुक का जो नया लुक है वो मैं आपको अभी अपने लैपटॉप पे ले चल के दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या नया लुक आया है। हाँ, अभी क्या करना है कि अभी आपको उस पर स्विच कर लेना है और धीमे धीमे उसके साथ फैमिलियर हो जाए। ऐसा ना हो कि बाद में जब वो आपका जो पुराना फीचर है वो हटा के नया फीचर फेसबुक ही डाल दे, फिर आपको परेशानी हो। तो आप थोड़ा थोड़ा क्या करें, आप स्विच करते रहें, नए वाले से पुराने वाले पे जाए, पुराने वाले से नए वाले। तो वो सारा 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 का सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे देखेंगे, कैसे उसके ऊपर हम जाएंगे, कैसे स्विच करेंगे, तो सारी चीज़ों के ऊपर जो उसके मोड है, डार्क मोड, लाइट मोड, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि फेसबुक का न्यू अपडेट आ चुका है, ठीक है, 2020 का जो अपडेट है, अब इसी के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अपने ब्राउज़र पर, अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पर लेके चलता हूँ। मैं क्रोम यूज़ करता हूँ और ये मेरी फेसबुक का प्रोफाइल है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसको पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं ऐसे ही यूज़ करना है। ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है मान लीजिए, ठीक है। टेस्टिंग हम इस पे करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इसके नए वाले लुक को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, जो स्क्रॉल का चिन्ह है इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा स्विच टू न्यू फेसबुक, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फीचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये अभी सबको नहीं मिला होगा। जिन लोगों को मिला है उसके लिए मतलब अप्रिसिएट है, और जिसको अभी नहीं मिला थोड़ा सा वेट कर ले, धीमे धीमे फेसबुक सभी को दे देगा। अब ये जो नया लुक है एकदम, जैसे कि वीटा वर्जन जो है ये पूरा मोबाइल वाला स्टाइल से है, आप इसको पूरा देख सकते हैं नया लुक कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे टॉप पर देखेंगे होम का है, यहाँ पर पेज है, यहाँ वीडियो है, यहाँ पर मार्केट प्लेस है, और यहाँ पर ग्रुप्स है, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं वन बाई वन। तो होम पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो होम पे अगर आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली स्टोरी देख सकते हैं, आपसे जुड़े लोगों की स्टोरी वगैरह आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप मैसेंजर, पेज, लाइव वीडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी पेजेस हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, मैसेंजर वगैरह है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य, इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जो स्क्रॉल वाला ऑप्शन होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको डार्क मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस डार्क मोड के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा फीचर देखने को मिल जाएगा। इससे क्या है, जो आपकी बैटरी वगैरह यूज़ हो रहा वो थोड़ा सा कम यूज़ होगा, और सेफली आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और डार्क मोड और अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो आप फिर से उसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो अंडू हो जाएगा, ठीक है, आप पुरानी चीज़ों पर फिर से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो नया नई चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, नया फीचर है, नई चीज़ें हैं, और इसके साथ आपको फैमिलियर हो जाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको पुरानी जगह जाना है फिर से कि पुराना ही थीम आपको यूज़ करना है, तो स्विच क्लासिक फेसबुक, क्लासिक मोड पर आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं, क्लासिक मोड पर आप आ गए हैं। सिंपली मुझे यही अपडेट करना था, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसके इससे जुड़ी हुई कुछ और नई अपडेट अगर निकल के आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि आप इसके साथ फैमिलियर हो सकें, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई जॉब वीडियो के साथ, या फिर किसी टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।